इंदौर के सराफा थाने में विधायकों की गिरफ्तारी के दौरान थाने में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सराफा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने के चलते 188 के तहत FIR दर्ज की थी, जिससे नाराज शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाल्कीवाल, विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, DIG हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने पहुंचे थे, जहां DIG से अपनी बात रखते हुए कांग्रेसी नेताओं ने BJP के दबाव में जल्दबाजी में FIR दर्ज करने की बात कही। शहर अध्यक्ष ने यह कह दिया कि 2 माह बाद फिर कांग्रेस सरकार आ रही है, हम देख लेंगे किस अधिकारी ने हमारे साथ गलत किया है। वहीं सुदर्शन गुप्ता पर कार्रवाई के बाद क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं ली गई है? DIG ने इस पूरे मामले में जांच कराने की बात कही है। साथ में पिछले 2-3 दिनों में कई जगह 144 के लिए 2-3 घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में अलग अलग FIR हुए, उसमें बिना किसी उसमें सभी पार्टियों के सभी दलों के और अलग अलग जगह पे जहां भी इस तरह का उल्लंघन हुआ है वहां पर इसमें इस तरह की कार्रवाई की गई है। उस संबंध में कुछ लोगों ने अपनी जनप्रतिनिधि से अपनी बात रखी थी और उनके तथ्यों को देखा गया, और बाकी पूरे मामले की जो जांच है उसमें SP से कर रहे हैं। और बाकी ये ज़रूरी है कि हम इस समय में, चूँकि 144 काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में कि वर्तमान संदर्भ में संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से इसे इंदौर में लागू किया गया, जरूरी है कि हम सभी लोग इसका सम्यक ढंग से पालन करें और उस संदर्भ में उल्लंघन होने पर जो कार्रवाइयाँ की गई थी उस बारे में सभी लोगों ने अपनी बात करें। कल भी जो प्रकरण हुआ उनका सातों साल अच्छा की दबाव उस समय पूर्व में, जिसमें जानते हैं कि अगर 5000 आया कोई धरना प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है और उसके आधार पर पूर्व में जो कार्रवाई की गई थी। कल के मामले में इन्होंने इनका कहना था कि हम 4 लोग थे और कुछ ज़्यादा लोगों के हुआ, तो उस मामले की एक बार तथ्यों की जाँच उसमें अतिरिक्त। हम तीनों में विधायक विशाल पटेल जी, विधायक संजय शुक्ला जी राजवाड़ा पे रात सुबह 10:30 में अहिल्या माता की मूर्ति के दर्शन करके कार में बैठकर हम सराफा थाने पहुँचे। हम पे जो परसों 188 का जो केस लगा था उसके हम जमानत देने के लिए गए थे। हम वहाँ अंदर चले गए, बैरिकेड्स लगे हुए थे, हम तीनों ने वहाँ पे जमानत दी। पीछे हमारे कुछ 8-10 लोग साथी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, दबाव में, सरकार के दबाव में आने के कारण उनको मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। लगभग हमारे कांग्रेस के 9 साथियों पर, जिन्होंने 11 साथियों पर मुकदमा दर्ज किया, उसके लिए हम अभी DIG साहब से चर्चा करने आए थे। तो हमने मांग करी है कि कृपया झूठा प्रकरण जो आपने कल लगाया हमारे कार्यकर्ताओं पर, से तत्काल रूप से उसको हटाया जाए, खात्मा किया जाए। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये कार्रवाई आगे नहीं होगी, यहीं समाप्त प्रकरण को हम खात्मा करने का उन्होंने जाँच के आदेश उस पर दिए थे।